इस वक्त मैं खूंटी जिला अंतर्गत बिरसा फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूं। अभी इस स्टेडियम का क्या नज़ारा है वो मैं आप सबों को दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो इस वक्त मैं इस स्टेडियम का बीच सेंटर में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं कि इस स्टेडियम का जो खूबसूरती है वो पहले जैसा ही है। फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ये हुआ है कि जो स्टेडियम का जो किनारे किनारे जो मिट्टी निकाला गया है तो और गड्ढा किया है, इस बरसात की वजह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो जमा हो गया है। बाकी जो सुबह सुबह कुछ लोग दौड़ने के लिए आते थे, यहाँ पे रनिंग करने के लिए आते थे, तो उनको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग जो है सुबह और शाम भी यहाँ पर फुटबॉल तरह तरह का खेल यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे इस स्टेडियम के बनने से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रहा है। इस वक्त अगर नज़र डालिएगा तो उधर देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, तो किसी ने अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि खूंटी में इस तरह का कहीं बैठने के लिए उतना ज़्यादा जगह नहीं है। स्टेडियम को बनने के बाद स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद हो रहा है। और उस तरफ अगर नज़र डालिएगा तो कुछ विद्यार्थी जो है ये ड्रेस देखकर पता चल रहा है कि ये बिरसा कॉलेज के विद्यार्थी हैं और इन्होंने अपना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अगर तुरंत उधर बगल में जाइएगा तो कुछ जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके पीछे और जैसे कि आप सबों को दिखाई दे रहा होगा काला जो शीशा लगा हुआ है वो बिरसा कॉलेज स्टेडियम का वो कैंपस है, वो बिल्डिंग है। और अगर और इधर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दाहिने ओर देखिएगा तो अभी बरसात के दिन भी है और बरसात के दिन होने के वजह से लोगों को यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कुछ बिरसा कॉलेज के विद्यार्थी इधर भी बैठे हुए हैं। और इस मैदान में अभी मैं बीच सेंटर में मौजूद हूँ और इस मैदान में ये भी मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि इसके देख सकते हैं कि मेरे दाहिने ओर इधर पूरा पानी का जमाव हो गया है। हालांकि अभी भी इस मैदान में अभी भी टूर्नामेंट वगैरह सब चलिए रहा है। खासकर देखा जाए तो बरसात के दिनों में इस मैदान में काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट वगैरह भी खेला जाता है। और इस स्टेडियम के बारे में मैं और एक जानकारी साझा करने के लिए जा रहा हूँ कि यहाँ पर मंत्री हो या फिर बड़े बड़े अधिकारी भी कोई बड़ा प्रोग्राम अगर होता है तो यही स्टेडियम में होता है। आप सबों को ज्ञात होगा हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ इस स्टेडियम में आए हुए हैं। इस स्टेडियम में मैं आप सबों को फिर से बताने के लिए जा रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा प्रोग्राम वगैरह भी होता है। स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने भी यहाँ पर हर लगभग फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह सब होता है तो मुख्य अतिथि के रूप में वो भी आते हैं। और मैं आप सबों को चारों ओर नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस वक्त ये बरसात का दिन है और इधर देख सकते हैं बैठने के लिए जगह है। हालांकि अभी दोपहर का समय है इसलिए लोग यहां पर नहीं आए हैं। और यही चीज़ अगर शाम का समय होता है तो इसके चारों ओर देखिएगा, नज़र डालिएगा तो यहां पर लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और मनोरंजन करते हैं। हालांकि खूंटी में ये स्टेडियम का होना हम खूंटी वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, तो हमें घबराने की बात अभी नहीं है क्योंकि इस स्टेडियम में अभी मरम्मती का काम चल रहा है। इसे कुछ ही समय हमें थोड़ा सा समस्या होगा, बाकी इसके बन जाने के बाद और इस स्टेडियम का जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि खूंटी में और भी इस तरह का स्टेडियम हो तो स्थानीय लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा। लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे खूंटी ज़िले में निकी प्रधान जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं जो हेसेल गांव से आती हैं, निकी प्रधान कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है। वो भारत के लिए वर्ल्ड कप से लेकर ओलंपिक गेम में खेल चुकी है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में हॉकी खिलाड़ियों की चर्चा बहुत कम होती है। खूंटी में इसी तरह का स्टेडियम अगर और भी हो
तो हमारे जो खुटी के खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वैसे वैसे खिलाड़ी और भी बड़े मुकाम में पहुंच जाएंगे और खुटी का नाम रोशन करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद।